नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 24 न्यूज। बलिया के भारतीय जनता पार्टी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने पीएम मोदी द्वारा चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर लैंडिंग पॉइंट को शिव शक्ति का नाम देने पर राशिद अलवी के विरोध पर चुटकी लेते हुए कहा कि राशिद अलवी हर चीज़ को हिंदू और मुसलमान के ध्यान पर ही देखते हैं। वहीं सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कांग्रेस पर जमकर बोला हमला, कहा कि चंद्रयान 3 चंद्रमा पर जहां उतरा है उसको शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा, लेकिन कांग्रेस के एक नेता राशिद अलवी को ये खटक रहा है। वो ये कह रहे हैं साहब कि हम चंद्रमा के कोई मालिक थोड़ी नहीं हैं कि वहां पर नामकरण कर देंगे। राशिद अलवी हर चीज़ों को हिंदू और मुसलमान के ही ध्यान से देखते हैं, तो मैं प्रार्थना करूँगा शिव जी से कि उनके बुद्धि का सुधार करें। लेकिन जिस तरीके से शिव जी पूरे ब्रह्मांड के देवता है और शिव जी के लिए कहना चाहिए कि भूत पिशाच सब गोजर सांप और पुरुष नारी सबके कल्याण करने के लिए, शिव का शब्द का मतलब होता है कल्याण करना। वो राशिद अलवी का भी कल्याण करते हैं और मायावती का भी कल्याण करते हैं और मोहम्मद यूनुस का भी कल्याण करते हैं, हाजी इमाम का भी कल्याण करते हैं। अब राशिद अलवी को उनको अस्पताल में कहीं दवा कराने के लिए जाना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, भारत में उसे नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी अभी लद्दाख के दौरे पर थे, जब प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर थे उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि लद्दाख जो है बॉर्डर पे चीन ने हमारे ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, काबिज़ है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक इंच जमीन हमारे चीन ने कब्जा नहीं किया है, जो कि सरासर गलत है। राहुल गांधी के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? राहुल गांधी किसी बयान को मैं गंभीरता से कभी नहीं देता। क्या किस तरीके से देखते हैं, क्या चाइना ने हमारी जमीन को कब्जा? इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। राहुल गांधी चाहे संसद में बोलते हैं चाहे संसद के बाहर बोलते हैं, मैं उनको कभी भारत का गंभीर नागरिक मानता ही नहीं। मणिशंकर अय्यर ने अभी अपनी एक किताब लॉन्च की है जिसमें उन्होंने ये माना है कि बाबरी विध्वंस के दौरान उनके अपने ही प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को उन्होंने बताया कि बीजेपी के वो पहले प्रधानमंत्री थे। क्या कहना चाहेंगे? तो उस वक्त मंत्रिमंडल में मंत्री क्यों थे? ये लोग राजनीति में भरोसे का संकट पैदा करने वाले हरामखोर राजनीतिक थे। तो उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने जो शिलान्यास किया था राम जन्मभूमि का, वो गलत था। तो उनसे ना पूछा जाना चाहिए कि क्यों गलत कर रहे हैं, फिर कांग्रेस में क्यों है। अंत में सिर्फ एक बात, स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र था ही नहीं और अगर आज हिंदू राष्ट्र की बात होगी तो कल खालिस्तान की बात होगी। करिएगा स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों के बात का उत्तर देना न मैं मुनासिब समझता हूँ न मुनासिब।